कंट्रोल खोदोगे। और तो माइनक्राफ्ट में एक ऐसा खतरनाक एंटिटी जो शेप शिफ्ट कर सामने वाले की जान ले लेता था, और 666 सीड का एक ऐसा डरावना सच जिसको देखकर आप पक्का डर जाओगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक प्यारा सा लाइक कर दो और आ जाओ वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। माइनक्राफ्ट के अंदर हर एक प्लेयर का एक ही गोल होता है और वो है सरवाइव करना। होगा जब आपका प्लेयर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो सरवाइव करने की वजह अपनी ही जान लेने पर तुलाओ, जिसको हम सुसाइड कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हर्षित नाम के प्लेयर के साथ हुआ था। यस, ये एक इंडियन प्लेयर है और ये कहानी शुरू तब हुई जब हर्षित यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने निकला था, क्योंकि भाई हर प्लेयर की तरह उसको भी एंडर ड्रैगन को हराना था। लकीली हर्षित को यहाँ पर काफी जल्दी स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, लेकिन उसको क्या पता भाई बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। जैसे कि आपके साथ काफी बार हुआ होगा कि आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में गए और आप गलती से एक ब्लॉक तोड़ देते हो और फिर उसमें से काफी सारी सिल्वर फिश निकलती हैं। और हर्षित के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उसके ऊपर काफी सारी सिल्वर फिश अटैक कर देती हैं, लेकिन फर्क इतना था वो कोई मामूली सिल्वर फिश नहीं बल्कि खतरनाक पैरासाइट सिल्वर फिशेस थी। तो ये घटना देखकर हमारा हर्षित काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन एकदम से उन पैरासाइट ने हर्षित के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया, जैसे कि उनका काम पूरा हो गया हो। लेकिन हर्षित को इतनी ज्यादा चोट आ जाती है कि वो एंडर ड्रैगन को मारने की बजाय वापस अपने घर चले जाता है। और जरा हर्षित को क्लोजली देखो भाई, उन पैरासाइट ने हर्षित के पैरों को बहुत बुरी तरह काटा है। और ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन हर्षित के पैर की चोट का इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा था उसकी पूरी बॉडी में। और जब हर्षित ने अपनी रिफ्लेक्शन पानी में देखी तो भाई वो देखकर बहुत घबरा गया, क्योंकि अब उसकी बॉडी का हाल बद से बदतर होता जा रहा था। और ये भी पता लगा कि भाई ऐसा होने के बाद हर्षित अपने आप को ही टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जैसे कि गरम मैग्मा ब्लॉक्स के ऊपर चलना, और जैसे एक हार्ट बचता था वो वहां से बाहर आ जाता था। ऐसे बार बार वो अपने आप को हर्ट करता रहता था। और हद तो तब हो गई जब ज़ॉम्बी ने हर्षित के ऊपर अटैक करा, तो भाई हर्षित तो बच जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भाई एक पैरासाइटिक ज़ॉम्बी बन जाता है। इसका मतलब हर्षित के अंदर एक ऐसा पैरासाइट घुस चुका है जो हर्षित को कंट्रोल कर रहा है। और तो और ये भी सुनने को मिला था कि हर्षित कुछ 10 से 11 दिन भाई गेम के अंदर सोया भी नहीं था, एंड खाने की जगह वो रोटन फ्लैश खाया करता था। हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। लेकिन सैडली एक दिन ऐसा आता जब हर्षित ने खाई में कूदकर अपनी जान ले ली थी और वो कहानी वहीं खत्म हो गई। तो भाइयों अब कमेंट्स में हर्षित के लिए ना रिप लिखना बिल्कुल मत भूलना। समुंदर में घूमते वक्त आपको कई बार शिपरेक्स दिखती होंगी और आप खुशी खुशी में वहाँ से सारी लूट ले जाकर शिपरेक को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, लेकिन सही मायने में शिपरेक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और शिपरेक्स को देखकर इतना तो बिल्कुल कंफर्म है कि भाई